हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ और आज मैं आप सबका सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम चर्चा करने वाले हैं अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, जो कि आज वो दिल्ली पे जंतर मंतर पे धरना चल रहा है। बहुत दिनों से वो लोग दिल्ली पे है। अरुणाचल का जो करप्शन को लेके उन लोग अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली तक उन लोग फुट मार्च किया है। हम सब ने देखा है, देख रहे, फॉलो कर रहे। तो आज अरुणाचल का जनता ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट दिया है एएसी टीम को। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं आज एक एक करके जो निकल रहा है, जो मैदान के खिलाफ में, यानी कि तपोशीतल मैदान के खिलाफ में पर्सनल बात को लेके, पर्सनल मुद्दा को लेके आज उसको अटैक किया जा रहा है। ये बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दुख लगता है। इतना छोटा छोटा बातें, इश्यूज जो पर्सनल मुझे लगता है, वो आज इतना बड़ा आंदोलन कर रहा है, जो जनता का आवाज़ को लेके वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो करप्शन बोले कि वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो उन लोगों को यही समय मिला है। पहले कहाँ था जो एलिगेशन लगा रहे, वो लोग कहाँ सो रहा था, अभी उन दिखाई दिया तो कोशितर को। ये सरासर गलत है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई जनता के लिए काम कर रहा है, तो उसको हम साथ देने के वजह आप लोग तंग खींच रहे हैं। ठीक है, अगर एलिगेशन सच्चा है तो आप लोग पर्सनल लेवल में आप लोग सोल्व करने के लिए कोशिश कीजिए, पर्सनल लेवल में उठाए आवाज़ को। तपोशीतल एएसी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ सिर्फ तपोशीतल मैदान नहीं है, वहाँ हजारों लोग जुड़ा हुआ है। तो आप लोग क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन लोगों को काम करने दीजिए। जो करप्शन है स्टेट में, करप्शन आज का बात नहीं है, जब से स्टेट हुआ है तब से करप्शन हो के आया होगा। करप्शन अरुणाचल प्रदेश में कोई नया इश्यू नहीं है, कोई नया बात नहीं है, ये हो के आया है। इसी वक्त बीजेपी सरकार चल रहा है, वो कांग्रेस सरकार में भी हुआ है, उससे पहले कितना सरकार आया होगा, सब ने भी करप्शन किया होगा। तो करप्शन कहीं ना कहीं सभी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। सिर्फ प्रेजेंट गवर्नमेंट का ऊपर हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट गवर्नमेंट को हम खराब नहीं बोल रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है बीजेपी सरकार अरुणाचल प्रदेश में। पेमा खांडू जी चीफ मिनिस्टरशिप में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। लेकिन करप्शन जो है बहुत ही पुराना इशू है, पुराना मुद्दा है। तो अगर इस मुद्दा को, करप्शन को ख़त्म करने के लिए अगर कोई आंदोलन कर रहा है, कोई अच्छा आवाज़ उठा रहा है, जनता का जो सोच के जो काम कर रहा है, तो हमको साथ देना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। और आज जितना भी लोग जो अगेंस्ट कर रहे हैं तपोशीतल के खिलाफ में, जो पर्सनल गंदा गंदा इश्यूज़ को लेके, वो शायद आपका पर्सनल मैटर होगा, या कोई करा रहा होगा आप लोग को, या कोई बोलने दे रहा होगा। लेकिन आज तपोशीतल मैदान को जो अगेंस्ट कर रहा है, वो हजारों में होगा, लेकिन उनको जो साथ दे रहा है, उनको जो प्यार कर रहा है जनता, वो लाखों में है। वो अनकंडीशनली, कोई कंपेल नहीं किया जा रहा है कि आप तपोशीतल मैदान को सपोर्ट करो, उसको प्यार दो, एएसी टीम को सपोर्ट करो, ऐसे बिल्कुल नहीं लगता हमको। तो जो अपना दिल से सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन आज जो हजारों में जो तपोशीतल मैदान के खिलाफ में जो आवाज़ उठा रहा है, उनका खिलाफ जो एलिगेशन लगा रहा है, उसको कहीं ना कहीं कोई पीछे खड़ा होकर उसको काम लगा रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो बोलो ये बोलो बोल के। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर एएसी टीम गलत काम कर रहा है, तो पूरा टीम का ऑपोज ब्लेम कीजिए, एक इंडिविजुअल को टारगेट क्यों कर रहा है आप लोग।
तो को मैडम एएसी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे, वो एएसी टीम का जितना भी लोग है जुड़ा हुआ है, उनका आवाज़ है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये समय में उसको एलिगेशन लगाना, खराब खराब एलिगेशंस करना, ये सही नहीं लग रहा हमको। आपको बहुत समय है, जो जो भी आज का दिन में उसको एलिगेशन लगा रहा है, ये समय में ही आप लोग समय मिला है क्या? कल कहाँ था आप लोग? और तो कोशितल मैडम कहीं नहीं भागेगा शायद मेरे हिसाब से। और धना वो अपना मिशन पूरा होने के बाद में, अपना मिशन कामयाब होने के बाद में वो अपना घर अपना परिवार के साथ फिर आएंगे अरुणाचल, तो आप लोग उठाए उसी समय इशू। ये बीच में आपका पर्सनल इश्यूज को लाना, ये तो सरासर गलत दिखाई दे रहा है और जनता को भी कंफ्यूज करा रहा है। आज एएसी टीम इतना दुख तकलीफ, इतना तकलीफ हो के अरुणाचल से किया है, ये तो हम कल्पना भी नहीं कर सकता है, हम चल भी नहीं सकेगा, हम सोच भी नहीं सकता है। अरुणाचल से लेके दिल्ली तक खुद मार्च करके जाना, पैदल जाना, ये कोई बच्चा का खेल नहीं है। विल पावर होना पड़ेगा, जज्बा होना पड़ेगा आपको अंदर, हिम्मत होना पड़ेगा, जीत होना पड़ेगा। भले एएसी टीम जो भी कर रहा है वो मेरा हिसाब से तो अच्छा ही है, जनता का भलाई के लिए कर रहा है वो लोग। करप्शन है स्टेट में और करप्शन हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी दिन ख़त्म करना है करप्शन को। आप सब ने देखा अरुणाचल प्रदेश में इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़ लिख के ऐसे घूम रहे हैं, डिपार्टमेंट में बहुत सारा करप्शन हो रहा है, चल रहा है, अरेस्ट हो रहा है, इंक्वायरी चल रहा है, क्वेश्चन पेपर को बिक्री किया जा रहा है, पैसा लेके किसी को अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, इलीगल अपॉइंटमेंट हो रहा है, ये सब भी एक करप्शन है। तो कोई अगर इन मुद्दों पे कोई इश्यूज उठाता है, कोई आंदोलन करता है, तो हमको सपोर्ट करना जरूरी होता है। और बहुत लोग का कहना है तपोशीतल पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, वो अपना 2024 के लिए कर रहे हैं, ठीक है उसको करने दीजिए, उसका सपना होगा, हर एक किसी का सपना होता है एमएलए मिनिस्टर बनने का। जो आज तपोशीतल का आवाज़ को दबाने के लिए जो कर रहा है, तपोशीतल का जो खिलाफ में एलिगेशन लगा रहा है, वो लोग भी सपना दिखता होगा 24 में एमएलए में आना, जेपीएम आना, जो भी आना, वो तो उसका पर्सनल लाइफ हो गया ना, वो तो उसका तो कुछ तरह मैडम का पर्सनल मैटर है, उसमें हम लोग क्या बोलेगा उसमें। वो तो हर कोई ख्वाब ख्वाब देखता है, हर किसी का सपना होता है, तो उसमें तो हमको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमको उसमें नहीं जाना चाहिए। हमको सिर्फ जो पब्लिक का जो ग्रीवेंसेस होता है, जो करप्शन होता है, उस पर हमको जाना चाहिए। वहाँ में एएसी टीम मेंबर्स बहुत सारा लोग है, वहाँ अपना अपना मुद्दा तो नहीं होगा, वो लोग करप्शन से जुड़ा हुआ मुद्दा को उठा रहे हैं, तो उसको तो साथ देना है। और वो लोग कहाँ तक सक्सेस होता है हमको जस्ट देखना है, क्या पीएमओ के ओर से रिस्पांस, अच्छा रिस्पांस आएगा कि नहीं आएगा, सीबीआई ईडी रिकमेंड होगा या नहीं होगा सेंट्रल से, तो ये तो आने वाला समय बताएगा। आज वो प्रयास जारी कर रहे एएसी टीम, वो कंटिन्यू धरना कर रहा है, और ऐसे सुनने में भी आया है कि कल का दिन में हंगर स्ट्राइक में भी जा सकता है, ऐसे सुनने में आया है। तो मैं तो समझता हूँ इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, हर किसी को बात को सुनना सरकार का काम होता है, हर किसी धरना का इश्यूज को जानकारी लेना सरकार का काम होता है, उसका ग्रीवेंसेस को किस प्रकार से आप रिस्पॉन्स करना है वो सरकार का काम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितना भी जो एएसी टीम जो आज धरना कर रहा है, कभी ना कभी दिन
पीएमओ की ओर से अच्छा रिस्पांस आएगा, उनको अपॉइंटमेंट मिलेगा अपना मेमोरेंडम को सबमिट करने के लिए, ये उम्मीद करते हैं। और देखते हैं एएसी टीम जो आज जो आंदोलन कर रहा है, ये सबसे बड़ा और हिस्टोरिक हो सकता है अपना आप में। ऐसे आंदोलन अरुणाचल में तो कभी नहीं हुआ है, वो भी इतना पीसफुली, जो अरुणाचल प्रदेश से लेके 2000 से ज़्यादा किलोमीटर फुट मार्च करके आंदोलन करना, ये अपना आप में हिस्टोरिक है। ये हम जनता हमेशा याद करेंगे जिन्होंने आज ये इनिशिएट किया है, जिनके लीडरशिप में आज इतना बड़ा आंदोलन चला रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एग्जांपल होगा आने वाला जनरेशन के लिए भी। और हमेशा एएसी टीम आप पब्लिक का जो जनता का जो आवाज़ पे खड़ा होना है। कहीं ना कहीं आप लोग पॉलिटिकली आप लोग एंगल से कहीं ना कहीं आप लोग तेरा मेरा हो जाता तो आप लोग कहीं का नहीं रह जाएगा। इसलिए अपना आप में भरोसा रखो, जनता सब साथ है। यहाँ कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं होना है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अगर इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है तो आप सब के लिए, जनता के लिए बहुत ही शर्मनाक होगा, जनता का हाल होगा कहीं ना कहीं। तो मैं तो समझता हूँ ऐसा नहीं होगा कभी। आप लोग ने देवान से आप लोग ने ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है। हम लोग इतना दुख तकलीफ का सोचा कि आप लोग जो कर रहे जनता के लिए वो बहुत ही बड़ा बात है, और दुख भी लगता है आप लोग को देख के कितना तकलीफ़ से आप लोग दिल्ली में जो धरना कर रहा होगा, किस प्रकार से आप लोग का जो मेंटली फिजिकली चल रहा होगा वो हम समझ सकते हैं। तो आज मैं इन शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा।